खड़ी भैंस गाड़ी पर चढ़कर भोला आसमान में उड़ती पतंगें देखा करता था। उससे पूछने पर कि तू क्यों नहीं उड़ाता, कहा करता था, पिताजी ने कहा है कि अगले जन्मदिन पर लेकर देंगे तो उड़ाऊंगा। भोला के पिता पिछले 3 साल से उसे हर जन्मदिन पर पैंट और शर्ट का जोड़ा सिलवाते आ रहे थे। उनका कहना था कि कपड़ा कम से कम सर्दी और गर्मी में पहनने के ही काम आएगा। भोला के पिता कस्बे में नाले साफ करते थे और भोला की मां घरों में बर्तन मांजती थी। दोनों ही कामों में इतनी ही कमाई हो पाती थी कि बमुश्किल पेट भर सके। यूं तो भोला को और भी कई सारे खेल पसंद थे, मगर पतंग के आगे सब फीका था। पतंग किसी गरीब बच्चे के लिए सबसे महंगा और सबसे सुंदर खिलौना वही तो है। रंगों से भरी, नीले आसमान में तैरती, गांव की गलियों और टूटी ईंट की दीवार पर सूख रहे कंडों या उपलों से कहीं ज्यादा सुंदर। एक पल में मेमने सी चंचल, तो अगले ही पल पर्वतों के बीच में कोमलता से बह रही नदी सी स्थिरता। घर की छत पर ले जाने वाली सीढ़ियों और पिता के कंधे से कहीं ज्यादा ऊंची उड़ान भरने वाली पतंग। वो कहते हैं कि अगर किसी गांव में बच्चे गिनने हों तो उसके आसमान में एक पतंग काटकर छोड़ दो, वो पतंग अपने साथ हर घर, हर गली, हर खेत की मेड़ से एक बचपन तो घसीट कर ले जाएगी। भोला की मां कहा करती थी कि पतंग के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं, जीवन में इतनी मेहनत करो कि पतंग जैसी ऊंचाइयां छू सको। शायद वो उससे ये कहना चाहती थी कि इतनी मेहनत करो कि ये जात पात सब पीछे छूट जाए। ठीक भी तो है, क्योंकि जब तक पतंग जमीन पर होती है, या तो किसी राम के हाथ में होती है या रहीम के, या किसी छोटी या किसी ऊंची जात के हाथ में होती है, मगर एक बार वो आसमान में उठ जाए तो दूर से देखने वाले को केवल पतंग ही नजर आती है। उड़ती हुई पतंग की कोई जात या कोई धर्म कहां होता है? बड़ी बात तब नहीं है जब आप पतंग की तरह ऊंचाइयां छू लें, बड़ी बात तो तब है जब एक सफल उड़ान के बाद आप अपनी ही छत पर लौटकर आ सकें।